स्वागत है समाचार के साथ, मैं उपस्थित हूँ जूली रानी। आज पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। यूं तो समस्त देशवासी उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं, उनके लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काफी उत्साहित है, जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं और लोग जगह जगह रक्तदान कर उनका जन्मदिन मना रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं लोग कैसे मना रहे हैं प्रधानमंत्री का जन्म दिवस। देखिए, मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे देश में सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा चलाया जा रहा है और उसी के तहत सेवा भाव से आज पूरे देश में आज कार्यक्रम हो रहा है। और आज उसी के निमित्त युवा मोर्चा के द्वारा, भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा आज रक्तदान शिविर का यहाँ पर कैंप लगाया गया है, जिसमें दर्जनों लोग यहाँ पर रक्तदान करके मतलब सेवा भावना के साथ मोदी जी का जन्मदिवस को मनाने का काम करेंगे। और मोदी जी का जन्मदिवस आज से लेकर लगभग 2 तारीख तक हम लोग ये सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम करेंगे और इस निमित्त हर क्षेत्र में हम लोग सेवा भाव के तरफ से हमारे पार्टी के हर एक कार्यकर्ता काम करेंगे और हम लोग भी इस अभियान में मतलब एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग भी इस अभियान से जुड़े हैं। और साथ ही लोगों से हम लोग ऐसी भी करना चाहेंगे कि हर इस क्षेत्र के लोग इस अभियान से जुड़कर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सेवा भाव के तहत इस अभियान में जुड़ने का काम करें। जैसा कि बताया गया कि आज से लेकर 2 तारीख तक सेवा सप्ताह मनाया जाएगा, इसमें क्या कार्यक्रम है, कहाँ जाएंगे कार्यकर्ता और आम जनों को क्या इससे बेनिफिट होगा? देखिए, आज आधुनिक भारत के निर्माता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है, दुनिया के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा की जयंती है। आज से भारतीय जनता पार्टी अपने अखिल भारतीय कार्यक्रम के तहत सेवा पखवाड़ा 15 दिवसीय कार्यक्रम का हम लोग शुभारम्भ कर रहे हैं। इस 15 दिवसीय कार्यक्रम में आज प्रथम दिन भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा पूरे देश में जिला स्तर पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इसके साथ साथ कल हम लोग स्वास्थ्य जांच शिविर लगाएंगे, यह कार्यक्रम बलियापुर में, इस धनबाद जिला ग्रामीण केंद्र। इसके साथ साथ हम लोग इस 15 दिवसीय कार्यक्रम के लिए टोली बनी है जिला स्तर पर, जिसमें अपने निताई रजवार जी, श्री दिनेश सिंह जी और फिरोज दत्ता जी, ये हर विधानसभा में अलग अलग प्रभारी हैं और इस 15 दिवसीय कार्यक्रम के लिए अलग अलग लोग 15 दिन के प्रभारी। इस कार्यक्रम में गाँव में वृक्षारोपण, अमृत सरोवर, जो सरोवर गंदा हो उस सरोवर की सफाई, लोकल प्रोडक्ट का खरीद, लोकल व्यापारियों को बढ़ावा, महात्मा गांधी के जयंती पर खादी बोर्ड के सामानों का, चाहे मधु हो या हथकरघा उत्पादन हो उसका परचेजिंग, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रमों को भारतीय जनता पार्टी ने डिजाइन किया और यह सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस से शुभारंभ हुआ और सभी कार्यक्रम सेवा का स्वरूप दिखेगा। कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं दिखेगा कि जिसमें हम पॉलिटिकल, हाँ निश्चित रूप से है कि कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अपने सभी संगठन को, अपने सभी इकाइयों को मजबूतीकरण, सशक्तिकरण, मजबूती प्रदान करेगी। इसी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती और उसी दिन अपने देश के प्रधानमंत्री जी की मन की बात भी शामिल है। तो हम लोग इस 15 दिवसीय कार्यक्रम को दिन प्रतिदिन मॉनिटरिंग करेंगे और पूरे धनबाद जिला ग्रामीण में एक अच्छा माहौल बनाकर अच्छे तरीके से कार्यक्रम का क्रियान्वयन कराने का प्रयास करेंगे और इस कार्यक्रम से धनबाद जिला ग्रामीण के हर मतदान केंद्र के निवासियों को, हर मतदान केंद्र के बूथ अध्यक्ष को, वहाँ के कमेटी के लोगों को, गाँव के लोगों को, नगर टोला वार्ड के लोगों को जोड़ने का प्रयास। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्म उत्सव है, उनके जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया है। देश के प्रति समर्पित हमारे देश के प्रधानमंत्री जो न दिन हो न रात हो कोई समय नहीं देखते हैं, पूरा अपना जीवन देश को समर्पित कर दिए हैं। उनके जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में हम सभी युवाओं ने ठाना है कि समाज हित में रक्तदान कर आम जनों को जीवन सुरक्षा करना है।
देखिए, युवा तो निर्णायक भूमिका हर दौर में निभाई है, आज कोई नया नहीं है। युवा पे देश का तारोमदार टिका हुआ है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनका आज जन्मदिन है, आज ही के दिन भारत को एक रत्न मिला जो विश्व पटल पर भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आज हर तरह का कार्य को लेकर वो विश्व स्तर पर आप समझ सकते हैं कि भारत की क्या छवि थी और आज भारत की क्या छवि है। ऐसे महापुरुष का आज जन्म दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं और आज से 2 अक्टूबर तक लगातार हम लोग का कार्यक्रम सेवा पखवाड़ा के रूप में लगातार कार्यक्रम है। आज उनका जन्म दिवस पर हम लोग रक्तदान शिविर लगाए हैं। आज तकरीबन हमको लगता है 100-150 से अधिक युवा अभी ब्लड डोनेट करेंगे। हम लोग कैंप लगाए हैं, मोदी जी के कार्यकाल के ऊपर एक प्रदर्शनी भी हमारा चल रहा है और गांधी जयंती जी के दिन तक ये कार्यक्रम हम लोग का चलेगा और लगातार युवाओं में उत्साह बढ़ रहा है। सिर्फ धनबाद ग्रामीण ही नहीं, पूरे देश में और विदेशों तक में भी आज युवा का पहचान भारत से होता है। पूरा विश्व में भारत युवा देश के रूप में कहलाता है।